सत श्रीकाल जी, मैं ता अपना धर्म जी डीपी, तो तुम देख रहे हो जी मेरे नाल अज दा ये वाला ब्लॉग। तो अज दे ब्लॉग च तुहाडा स्वागत आ। तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, आई होप कि तुम भी बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे। तो अज असी घरों निकले हाँ, तो जिवें कि अं तुहानू दिखा रहे हैं कि एक सीरी चलती पई है साडी सावण महीने की। तो सावण महीने का जिवें कि तुहानू पता है भी इस बार आप चौथे सोमवार का जिहड़ा वीडियो ब्लॉग आ उह तुहाडे लई लैके आए हैं, चौथे सोमवार का वीडियो ब्लॉग। तो अज मैं तुहानू एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर लैके जा रहा, शंकर भगवान जी के मंदिर सोमवार के दर्शन कराने वास्ते। चौथे सोमवार के दर्शन तुसीं साडे नाल करोगे अज। जिहड़े मंदिर च मैं तुहानू लैके जा रहा वा वह शंकर भगवान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर आ, बहुत ही प्यारा मंदिर आ। तो उत्थे नागां दा वास आ, नाग रहिंदे ने, नागां करके ही वह पवित्र धरती जिहड़ी है मशहूर है। तो वह मंदिर च मैं तुहानू लैके जा रहा वा अज। तो असी बस पहुँचना तो घरों असी निकल आए हाँ। तो मेरा इरादा बनया कि आप रस्ते दे विच जिहड़ा इहदा व्लॉग का एंट्रो आ इत्थे ही अज शूट करते हैं। तो मैं रस्ते दे विच खलो के ते अपना जिहड़ा एंट्रो शूट करता पिया वा। तो बस असीं घरों निकल पए हाँ। तो अज मेरा साथ दे रहा मेरे पिछे बैठा होया आ अज दे गुगू का मामा, गुगू का मामू श्री सूरज। हैलो सूरज, हाय कर दो सारे। तो ये अपने नाल सूरज अज मेरा साथ देगा। ये राती मेरे को आया होया सी, साडे को आया होया सी घरे। तो मैं सोचा कि इहनू नाल लै चलदे हाँ। तो इहनू नाल लै के तो मैं जा रहा वा दर्शन करन वास्ते। ये भी दर्शन कर आएगा, नाले घूम फिर आएगा। तो बस आप चले हाँ। तो तुसीं साडे नाल बने रहो साडे इस व्लॉग के एंड तक। तुहानू अज शंकर भगवान जी दे एक होर मंदिर दे जिहड़े दर्शन करवाण जा रहे हां, सोमवार चौथे दे तुसीं दर्शन कर रहे हो शंकर भगवान जी दे मंदिर दे। तो चलो चलते हाँ। तो इस टाइम अं पहुँच गया शंकर भगवान जी दे उस मंदिर दे विच जिथे अं तुहानू नाल वादा किया भी हर सोमवार सावण महीने के तुहानू शंकर भगवान जी दे मंदिर दे दर्शन करावांगे। तो अज तुसीं सोमवार चौथे सोमवार सावण महीने के दर्शन कर रहे हो साडे नाल दमूहे मंदिर दे, जिन्हों की सोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। तो इस टाइम असीं पहुँचे हुए हैं पट्टियां जिथे कि शंकर भगवान जी का मंदिर है। ये दमूहे दे नाल बहुत ज़्यादा मशहूर है गुरदासपुर जिले के विच। तो हरदाना दे बिल्कुल पास आ, हरदाना दे कोल पिंड, हरदाना दे कोल बिल्कुल नेड़े आ। तो तुसीं वाया दरांगला भी आ सकते हो, वाया तुसीं प्रेम नगर रोड तो दी सीधा जिहड़ा हरदोसनी वाला रोड आ उत्थों सीधे तुसीं आ सकते हो बड़े आराम दे नाल हरदाना थानी इत्थे। तो इत्थे पहुँच के तुसीं कर सकते हो शंकर भगवान जी दे दर्शन। ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्राचीन है, तो इतिहास तुसीं जिहड़ा तुहाडे नाल अहीं जरूर शेयर करांगे जिहड़े बारे दसणगे साडे इत्थों दे प्रधान सुरेंद्र सिंधा जी। तो वह तुसीं जरूर सुनियो वीडियो के एंड तक, जरूर बने रहो ता कि तुहानू इत्थों दे इतिहास की पूरी जानकारी हो सके। तो तुसीं जदों भी दर्शन करन आओ तुहानू समुचे रूप दे विच इत्थे जिहड़े दर्शन हो सकन शंकर भगवान जी दे, ते नाल दी नाल नाग देवता जी दे, ते तुसीं दर्शन जरूर कर सकते इत्थे आण के दमूहे। तो अज असीं दमूहे चौथे सोमवार तुहानू दर्शन करा रहे हैं शंकर भगवान जी दे मंदिर। सावन का 2021 का चौथा सोमवार तुसीं साडे नाल दर्शन कर रहे हो दमूहे दे। तो अहीं पहुँच चुके हैं दमूहे, तुसीं मेरे पिछले साइड ते
मंदिर का व्यू देख रहे हो तो आओ बाकी तुहानू सारे दे सारे दर्शन करवाने तो चलते हैं मंदिर के अंदर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अज पहुँचा वा मंदिर शंकर भगवान जी का, जिहड़ा मंदिर आ हरिधाम, जिहड़ा कि तुसीं सोच सकदे हो, कह सकदे हो कि पंजाब दे विच जिहड़ा ए मंदिर आ ये छोटा हरिद्वार भी ये कहा जाता है, छोटे हरिद्वार के नाल भी जाने जाता है। तो जेकर तुसीं हरिद्वार जा नहीं सकते तो इत्थे आ के भी तुसीं दर्शन कर सकते हो, छोटे हरिद्वार आ के अपनी जो भी मनोकामना जो भी तुहाडी इच्छा आ इत्थे आ के भी पूरी हो सकती जेकर तुसीं दर्शन करना चाहते हो। तो छोटे हरिद्वार जिन्हों के प्रचलित ना जिहड़ा आ दमूहे दमूहे शंकर भगवान जी का मंदिर नागा की जगह आ, इत्थे तुसीं आ के दर्शन कर सकते हो। तो इस टाइम साढ़े नाल प्रधान जी जिहड़े कि इत्थों दे देख रेख करते हैं, साढ़े नाल प्रधान जी मौजूद ने जिन्हां दा नाम है सुरेंद्र कुमार सिंधा जी, तो वो इत्थे सानूं मौजूद मिल गए। तो आपां सोचा कि चलो इत्थों दा इतिहास की है उहदे बारे भी थोड़ी जी जानकारी अहीं तुहानूं दे दिंदे आ, ते नाल दी नाल जिहड़ी जानकारी जरूरी हुंदी है इत्थे दा की हैगा आ, किस तरह हैगा आ, ते की डिवेलपमेंट हो रही है उहदे सारी जानकारी जिहड़े आ सानूं सुरेंद्र जी देणगे। ते आपां सुरेंद्र जी नाल गल कर लैणे आ। हर महादेव जी, जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति। सुरेंद्र जी तुसीं सानूं दसो भी ये जिहड़ा मंदिर आ ये बहुत पुराना मंदिर आ। ये सतयुग की जगह है, तो
ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹਰੀ ਧਾਮ ਦਮੂਹਾ ਭੋਪਰ ਪੱਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈਗਾ ਦਮੂਹੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਦਮੂਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਮੂਹੇ ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੰਭ ਆ, ਬਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦਿਮੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੋਲ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਮਣੀ, ਉਹ ਸਪੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਪੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਨ ਉੱਥੇ ਵਜਾਈ, ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਜਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਮਈਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਏ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੰਭ 'ਚ। ਉਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਘਬਰਾਈ ਬੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ? ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੁੱਜਰਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛਡਾ ਦੇਗਾ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਪਛਾਣੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਮਣੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਦੋਂ ਸਪੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਪੇਰੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਆ ਜੇ ਮਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁੱਜਰਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਰਵੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਅਜਨਾਲਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਮਦਾਸ, ਅੱਗੇ ਅਜਨਾਲਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਲਾ ਰਚਾਉਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਪੇਰੇ ਉਹ ਲੰਘੇ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਮ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਟਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ,
उन्होंने बड़ा तगड़ा अपना बड़ा बराट रूप धारण कर लिया। तो गुजर उन्हें अपनी पिठ से बिठा लिया भी गुजरा मेरी पिठ से बह जा हूँ। फिर वो जो इधर आए तो धरती अगों वेल दिंदी गई आ जड़ी आ ना ये किरण नाला उदों का इनू किरण नाला बोलते हैं। वो जिधरों की भी आए ने वल पाते उस तरह ही ये वाला है तो कलानौर तो उर उर ही किरण नाला बोलते हैं। तो जो रमदास डेरे सखी बोलते हैं वो सखी बोलते हैं इनू तो असी किरण नाला बोलते हैं। इस जगह के उत्ते आ भैन भरा कट्ठे हुए आ ये दो मूहां वो भैन इधरों की आई है तो फिर ये इत्थे कट्ठे हुए आ फिर ये गुजर नूं छड्डन गए आ उत्थे मझां दे कोल फिर ये तां करके फिर दूजे रस्ते गए आ इन्हां नूं इस जगह नूं इत्थे वरदान आ फिर भी भैणां नूं वीर मिलणगे जो भी किस दुखी आएगा उहदा दुख दूर होएगा उहदी मन दी मनोकामना पूरी होएगी। भैण भरा मिले ते इहदा मतलब वी भैण नूं भरा मिलेगा। हाँ फिर वो गुजर नूं छड्डन गए ने उत्थे जा के गुजर नूं कहिंदे भी दस भी गुजरा आ मझां तेरियां ठीक ठाक ने ए ठीक ठाक ए दस भी मंग जो तू कहिंदा मैं मझां ही लैणियां ने। वो फिर मझां जिहड़ियां ने कहिंदा मझां ही लैणियां कहिंदा अच्छा फिर अलीक बात थी आ कहिंदा गुजरा पिछे भौं के ना देखी फिर तो डीओ डीओ करता जा तो जे तू पिछे भौं के वेख्या जिहड़ा अलीक लंघे वो मझां रहणियां जिहड़ियां पिछे वह वर्मियां बन जाणियां ने। वो गुजर जदों गया तो उन्हें गुजर के मन च आ गया भी पता नहीं मगर कुछ है भी आ कि नहीं वो भौं के जदों वेख्या वो जिहड़े लीक तो लंघ गईआं वो मझां तो पिछे वर्मियां बन गईआं उत्थे वर्मियां अजे भी आ गईआं ने। क्या बात है जी क्या सिद्धों मीर सिद्धों मीर हाँ उत्थे वर्मियां अजे भी है गईआं ने। फिर ये इत्थे आए ने दोबारा गुजर नूं छड्ड के तो इत्थे उन्हां दा अस्थान आ साक्षात ने इत्थे इत्थे साक्षात ने हर दियां मनोकामना पूरियां होणियां ने। तो मैनू इत्थे लगन लगी मैं सन 70 दे विच मेरे कोई छोटा जिहा गऊ दा बछड़ा बद्धा ही वह मर गया सीगा तो जिथों मैनू लगन लगी इस जगह पर तो मेरा पिंड भी आ ये मेरे पिंड च पैंदी आ मैं सरपंच भी 15 साल रहा लगातार समती मैंबर भी 3-4 वारी रहा हूँ भी समती मैंबर हाँ तो इस जगह ना मैनू फिर लगाओ उत्थे जदों हरिद्वार गए हैं उन्हें मेरे बजुर्ग नूं कहा भई बजुर्गा किन्नी उम्र हो गई आ कहिंदे 75 साल हैगी कहिंदे भई तुहानूं अजे तक नहीं पता भी तुहाडे पिंड दे विच हरिद्वार आ ते तुसीं एड्डी दूर बच्चे नूं ठंड दे विच क्यों लैके आए हो। तो मैं उन्होंने उत्थे ते फुल भी लोग परवा सकते आ तो मैं उन्होंने कहा पणम भी इत्थे गंगा मैया बड़ा तेज़ पानी आउंदा ते फुल रोड़ के लै जांदी आ ते उत्थे पंडित जी पानी दा बहा नहीं हुंदा सिर्फ बरसात च हुंदा अगे पिछे नहीं हुंदा ते इह आ भी उदों तों लैके मैनूं बड़ी लगन लग गई भी ये दूसरा हरिद्वार आ उन्हें पोथी कढ़ी पोथी दे विच भी उन्हें फिर दस्या इहदा नाम शिव मंदिर हरिधाम दमूहा भोपर पट्टी गुरदासपुर ये भोपर पट्टी उदों पट्टियां बोलते रहे भोपर पट्टी गुरदासपुर इस नाँ ते ग्रंथ साढ़े च है वा इहदा नाँ ते इह बड़े पबलिक दे सहयोग दे नाल ही आ ते बड़ा साड़ी खुशकिस्मती आ भई साढ़े इस इलाके दे विच हरिद्वार आ और शिवां दा वास आ इत्थे कईआं नूं डंग च भी सप कर जांदा ते इत्थे कुछ नहीं हुंदा प्रभु दी लीला वा अपरंपार आ साक्षात उहनां दे सानूं दर्शन भी होए दे आ इत्थे इस वास्ते सानूं लगना ते असीं प्रभु दी सेवा करदे आ और पबलिक दी सेवा दे नाल ही सारा कुछ चल रिहा जिदा जिदा पब्लिक की सेवा आती है उस तरह निका निका पैसा इतने लग रहा। ठीक है जी देखो जी सुरेंद्र जी ने अपना स्पष्टीकरण दिता तो सुरेंद्र जी के मूँह तो ही इतों के इतिहास बारे जान चुके हो हूँ सानू इत्थे इतिहास दसन की दोबारा जरूरत नहीं है पर असी एक स्पष्टीकरण जिहड़ा इत्थे कर देना चाहते हैं भी जदों इत्थे दोवें भैन भरा मिले दमूहे इस जगह का ना उदों पिया एक सैड तो भैन आई एक सैड तो भरा आया तो दोवें मिले उस तो बाद इस जगह नूं वरदान ये है
कि जेकर किसी भैन का भरा नहीं है तो उन्हूं भरा मिलेगा, तो जेकर किसी माँ का पुत नहीं है तो उन्हूं पुत मिलेगा। जिहड़ा कि इत्थे सरोवर बनया होया किरण नदी के थ्रू, उहदे च जदों असी स्नान करते हाँ जां साडी कोई माँ जां साडी कोई भैन स्नान करती है तो उन्हूं इस वरदान के मुताबक झोली फल जरूर पैंदा। कहण तो भाव जेकर तुहाडे घर बच्चा नहीं हुंदा तो वह बच्चा तुहानूं इत्थों जरूर झोली पवेगा। बस वड्डी गल इही है कि तुहाडा विश्वास अटल होना चाहिए तो अपने विश्वास के मुताबक तुसीं इत्थे आ के स्नान कर सकते हो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो दोस्तों अज तुसीं साडे नाल चौथे सोमवार दे दर्शन कर ले ने मंदिर जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है शंकर भगवान जी का, जिथे कि मैं तुहानूं दस रहा भी नाग इसाधारी नागा का जो कि मंदिर है जिसनों असी दमूहे दे नाल नाल जानते हैं गुरदासपुर दे विच। ते तुसीं साडे नाल अज चौथे सोमवार जिहड़े दर्शन किए ने हरदाना दे कोल दमूहे मंदिर दे शंकर भगवान जी का मंदिर है, तो इत्थे इसाधारी नागा की जिहड़ी शक्ति है तो इत्थे इसाधारी नागा का जिहड़ा वरदान भी है कि जिसते किसी के बच्चा वगैरह नहीं हुंदा वह इत्थे आ के अगर इसनान करदा तो उन्हां नूं झोली जरूर भरी जाती है। तो तुसीं जे इत्थे आ के दर्शन करना चाहते हो तो मेरे ख्याल नाल एक बारी आ के तुसीं इत्थे दर्शन जरूर करो। तो अज असी तुहाडे नाल जिहड़ा चौथा सोमवार शेयर कर दिता है, दर्शन करवा दिते ने तुहानूं, तो तुहानूं साडा ये वीडियो किवें दा लगा, साडा व्लॉग किवें दा लग रहे हैं। जेकर वधिया लग रहे हैं तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल दा बटन दबा दिओ तां कि आने वाले वीडियो आने वाले व्लॉग जिहड़े तुहानूं मिल सकन आसानी दे नाल। ते नाल दी नाल जेकर तुहानूं वीडियो वधिया लग रहे हैं तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो कमेंट करके जरूर दस्सिओ भी तुहानूं साडे वीडियो किस तरह के लगे। तो मिलदा किसी अगले व्लॉग 'च।